ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आज जम्मू के गांधीनगर स्थित टीचर्स भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम जो है खास तौर पर गुज्जर बकरवार होस्टल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। इस मौके पर जो है डॉक्टर शाहिद इकबाल चौकदरी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद नजर आए और उनकी तरफ से जो है यहाँ पर बच्चों को जो है इंटरेक्शन के साथ साथ अवेयर किया गया और बताया गया कि किस तरीके से जो है उनकी सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है, साथ ही साथ जो है उनके लिए क्या क्या कदम जो है वे उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये बच्चों के लिए एक अच्छा प्रयास है। और वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन भी लगातार जो है गुज्जर बकरवाल समुदाय के बच्चों के लिए कदम उठा रही है। इसमें चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, उसमें उनकी एक अलग जगह, अलग पहचान बनाने का जो प्रयास है उसे लगातार किया जा रहा है और उम्मीद है कि प्रयास जो है लगातार संपूर्ण होते हुए नजर भी आएंगे। जैसा आप जानते हैं कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की सदारत में बहुत सारे इनिशिएटिव इकदाम लिए गए हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर में, एजुकेशन, लाइवलीहुड और बहुत सारे सेक्टर्स में। तो आज हमने जितने भी हमारे बच्चे हॉस्टल्स के हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की जो कोचिंग या काउंसलिंग करवाने के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो सिलेक्ट हुए हैं उनकी काउंसलिंग के लिए रखा गया है। एक जो भी इनिशिएटिव हमने लिए हैं हॉस्टल्स को जैसे एक्सपेंड करने का है, ब्लॉक लेवल पे बनाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नए हॉस्टल देने के लिए, स्कॉलरशिप बढ़ाने का, ऑनरेरियम बढ़ाने का और बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ इंप्रूव की गई हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लाई हैं वो बच्चों से डिस्कस किया जा रहा है, उनसे फीडबैक लेने के लिए और फर्दर जो हमारा रोड मैप होना चाहिए डिपार्टमेंट का एजुकेशन को लेके, उस पर उनके क्या सजेशंस हैं और क्या गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है, क्या इंप्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिसी बनने के लिए ये ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुना जाए, उनसे फीडबैक ली जाए। हॉस्टल्स में जो भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हमारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। उसके लिए आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, काउंसलिंग भी है और एक फीडबैक सेशन भी है।